मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। इस फिल्म में भी बहुत अच्छी है। बहुत कॉपरेटिव है दोनों। और खेसारी जी का क्या कहना, खेसारी जी का वो तो मेरे दिल में रहते हैं, आई लव यू भाई। और क्या किरदार होगा खेसारी जी का अगर फिल्म में बात करनी है? पुली नंबर वन है, क्या हो सकता है अभी बताइए। लोगों ने मुझसे पूछा कि ट्रेलर से जो फिल्म का टाइटल वो मैच नहीं खा रहा है, तो मैंने जिनको जवाब देना था दिया कि कूली का मतलब हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी चलती है, जो कूली मतलब वो लाल ड्रेस वाली स्टेशन की कूली तो नहीं है, हम लोग भी कूली हैं जो समाज का बोझ उठाता है, उसको भी एक कूली के तौर पे ही हम लोग ये करते हैं, मैंने हम करते हैं हमारे नज़रिए से जो समाज का बोझ उठाता है। और हमारा हीरो इस फिल्म में तो दुनिया का बोझ उठा रहा है, तो इसमें फिल्म का नाम कूली नहीं है, कूली नंबर वन है, इसलिए वो जिनको लग रहा है जो ट्रेलर देखकर जो मैच नहीं खा रही है जो ट्रेलर, तो एक बार ज़रूर जाएं थिएटर में फिल्म देखने के लिए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस फिल्म का हमने नाम टाइटल कूली नंबर वन क्यों रखा है। और फिल्म की म्यूजिक की बात करूं तो कितने गाने हैं और म्यूजिक है? इस फिल्म में नई जोड़ी श्याम आजाद, श्याम देहाती और आजाद सिंह, हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लोग बड़े कार हैं, लेकिन हमारी फिल्म में इन्होंने बहुत अच्छी म्यूज़िक दी है दोनों ने। श्याम आजाद के नाम से है म्यूजिक है, और 8 गाने हैं फिल्म में, और गाने बहुत ही अच्छे बने हैं, जिसमें 2 गाने रिलीज हो चुके हैं, वीडियो बना के कर देगी वायरल, और ओरनी के रंग हरियरबा, दोनों गाने अच्छे चल रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है, ट्रेलर भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। खेसारी जी का क्या है, वो सिर्फ कहानी से लेकर और गाने में तो बैठते ही हैं, हर फिल्म में, हमारी तीसरी फिल्म है, इसके पहले जिला चंपारण, राजा जानी और अभी कूली नंबर वन, तो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, गीतकार के साथ, हमारे साथ, हम लोग पूरी टीम बैठते हैं, और उनका बहुत योगदान रहता है किसी भी फिल्म में ना, उनकी जो फिल्म होती है विशेषकर जो म्यूजिक हो, गाने पे हो, गीत पे हो, उनका बहुत बहुत ही बड़ा योगदान रहता है हर फिल्म में। सर आपकी जो पिछली दोनों फिल्में थी उसमें एक नई एक्ट्रेस लॉन्च हुई थी भोजपुरी, नहीं एक मतलब कहानी की, मतलब जब हमने कहानी देखी, जो स्क्रिप्ट जो मैंने पढ़ी जो ये करके, तो मुझे लगा जो काजल जी बेहतर जाएंगी, और जिस रोल के लिए हमने काजल जी को चुना वो बहुत अच्छी, इसे दोनों खेसारी जी और काजल जी का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है इस फिल्म में, और मुझे लगा कि काजल ही जाएंगे, तो मैंने काजल जी उनका उन्होंने कॉपी बहुत अच्छा लगा। फिल्म में एक्शन कैसा है, कौन है एक्शन मास्टर? फिल्म में 3 एक्शन हैं, और हमारे साउथ से एक्शन मास्टर रहते हैं, तो हैदराबाद से वो हैं एक्शन, और कैमरामैन श्रवण नटराजन हैं जो साउथ से ही हैं, कोरियोग्राफर हैं कानू दादा, और एक गाना महेश अच्छा जी ने किया है। इसमें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं, काजल जी हैं, फाइनल हीरोइन है पूजा गांगुली है, सिप्पी भट्ट हैं, महेश आचार्य है, मनोज सिंह है, एक नए कलाकार को हमने यहाँ पे लॉन्च किया है कलकत्ता से, मनोज सिंह, बलराम, बीना पांडे, और झारखंड से भी हमने बहुत कलाकारों को इस फिल्म में लिया, क्योंकि हमने इस फिल्म की थी तो लोकेशन की भी डिमांड थी, और मुझे अच्छा लगा झारखंड के भी बहुत सारे एक्टर हैं झारखंड के भी। कितने गाने हैं और किस कंपनी से रिलीज किया गया? टोटल 8 गाने हैं इस फिल्म में, और खेसारी म्यूजिक इंटरटेनमेंट से इसको रिलीज किया गया है फिल्म, ट्रेलर और गाने। कहानी और गाने में सबसे ज़्यादा टाइम नहीं, देखिए फिल्म एक डायरेक्टर के लिए तो फिल्म एक बेबी होता है ना संजय जी, तो बच्चा तो अगर माँ को बोलेगा बच्चे को कितना ध्यान दे, तो बच्चा हो तो मेरा बच्चा है, तो हम पूरा मतलब गाना भी अंग है ना, पार्ट है, कहानी हो गाना हो जितना भी है, तो मेरा तो जीवन ही फिल्म के लिए है,
तो पूरा ध्यान देते हैं, पूरे एक कंप्लीट फिल्म एक टीम वर्क है। अकेले की तो अकेले चना क्या भाड़ नहीं फोड़ता क्या होता है, लेकिन एक फिल्म जो है पूरा टीम वर्क है। तो हमारी जो टीम है फिल्म जो हम लोग बनाते हैं, तो हर एक स्पॉट बॉय उसका भी योगदान रहता है, और हम तो देते ही हैं, कोशिश करते हैं अच्छी फिल्म बनाने के लिए। और हाँ, एक और बात बहुत अच्छी बात है, अश्लील अभी बहुत हमें पोस्ट देखता हूँ फेसबुक पे लिखते हैं बहुत, ऐसे लोग बोलते हैं लिखते हैं अश्लीलता के रूप लड़ते हैं फेसबुक पे। अरे महाराज, फील्ड में आइए, अभी हमने कुली नंबर वन बनाई है, यू सर्टिफिकेट से नवाजा गया इस फिल्म को, सेंसर बोर्ड ने दिया है। तो आप इस फिल्म के बारे में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, मैंने तो बोला भी फेसबुक में भी लिखा था यू सर्टिफिकेट दिया है इस फिल्म को, जो अच्छी फिल्में आ रही हैं तो उसके बारे में भी तो बोलिए। हर फिल्म में अश्लीलता। तो मैं विशेषकर जो हमारे श्रोतागण है, जो हमारे भोजपुरी ऑडियंस, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि एक बार इस फिल्म को जरूर देखिए, और अगर आप लोग इस फिल्म को देखते हैं और बढ़ावा अगर देते हैं अच्छी फिल्म बनाने के, तो हमारे भी मनोबल बढ़ेगी ना जो अच्छी फिल्म बनाए। अगर आप असली फिल्मों का बढ़ावा देंगे तो मेकर्स क्या करेंगे, जिनका पैसा लगता है निर्माताओं क्या करेंगे, आप देखना ही बंद कर दीजिए ना असली फिल्में, तो अच्छी फिल्म बननी शुरू हो जाएगी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।